ओके, सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं नाउ. मानव अधि वास्तु, कैमरा ऑन रखो. कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट उसमें भी द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना. हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या हुआ था ब्रिटिश रूलर से, प्रिंसली स्टेट्स से, एंड अवर कंट्री वॉज क्रिएटेड थ्रू द पार्टिशन एंड ऑल दैट. टू मच ऑफ ब्लड शेड. तो लोग जो हमारे लीडर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एक रिलीजियस इश्यूज थे, हमारा पूरा एक कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, बहुत सारे लोगों का ह्यूमैनिटी और सिस्टम का ट्रस्ट खत्म हो गया था ड्यू टू द ब्लडशेड एंड द सफरिंग्स दे हैड ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन. फिर ब्रिटिशर्स जाने के टाइम प्रिंसली स्टेट्स को डिलेमा में छोड़ के चले गए थे. सो देयर वर लॉट मेनी चैलेंजेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, क्योंकि आपको एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था जो सब तरफ से बिखरा हुआ था. ओके, वासु कैमरा ऑन रखो, धैर्य अधिक. और फिर से एक चीज और बोल रही हूं, मोस्ट ऑफ यू आर जॉइंड हियर, प्लीज मेक श्योर कि आप एमसीक्यूज में सिर्फ ए बी सी डी नहीं लिखोगे. मैं बार बार बोल रही हूं, वैसे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं तो आंसर्स ही लिखने हैं आपकी बार आपको, बट स्टिल मैं मार्क्स नहीं दूंगी. लास्ट टेस्ट में एक 10th स्टैंडर्ड का टेस्ट हुआ था, उस बच्चे ने, मैंने 10th में 15 मार्क के एमसीक्यू पूछे थे, उसने सब में एबीसीडी लिखा था, मैंने सारे मार्क्स काट दिए थे. ओके, निर्मित स्टार्ट रीडिंग द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैम जस्ट आप पेज नंबर बोल सकते हो? 45 है मेरी बुक में. 23. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेन टॉपिक है बेटा, उसके अंदर है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सब टॉपिक है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. बेटा नहीं, उसमें सब टॉपिक है, उसके नीचे the path of constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the markers of Indian constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consciousness about what a democratic India should look like. Much of this conscience had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to regenerate, यानी दोबारा करना, regenerate करना. Rejuvenate means दोबारा से किसी चीज को बनाना. Regenerate, okay? Our country and to transform all our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. So you can understand, it was not, देखो साउथ अफ्रीका के पास कोई ऑप्शन नहीं था. हमारे पास क्या था कि हमें डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा लिखेगा ना, उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमारे पास वो एक प्लस पॉइंट था कि हमने डेमोक्रेसी आने से बहुत पहले हमारे लीडर्स, पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस लड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कुछ कुछ पोर्टफोलियोज और मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे. सो देवर अवेयर ऑफ द थिंग के एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें काम कैसे होता है, ऐसा. तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी वो.
ओके सो इट वॉज लाइक हाँ फिर से हमारा कंट्री हमें फिर से री बनाना था, पूरे देश का निर्माण दोबारा से करना था. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमें सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों, बिकॉज हमारी सोसाइटी पूरी डिवाइडेड हो गई थी. काफी लोगों का ट्रस्ट चला गया था क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान ऐसे डिवाइड हो जाएगा, हमारे लोगों को इतनी तकलीफ होगी, हमारा देश दो टुकड़ों में बस जाएगा जो सालों से एक यूनाइटेड कंट्री था. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो there were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today. Yet some basic ideas have come had come to be accepted by almost everyone. Here, next paragraph. Yes, ma'am. As far back as in 1928, Motilal Nehru and eight other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. One minute. Now what happened? See, 1928, hame freedom kab mila tha? 1947. ओके सो इन 1928 ओनली हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बना दिया था. और 1931 को आप नेक्स्ट ईयर 10th में पढ़ोगे, 1931 को उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने ऑलरेडी एक रफ ड्राफ्ट बना दिया था, हमारा देश इस तारीख से आजाद है, हम ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम डिसोबीडियंट करेंगे उन्हें और हम अपने देश में अपनी ही सरकार चलाएंगे. तो जब हमें फ्रीडम मिली तो हमारे पास ऑलरेडी एक रफ स्ट्रक्चर था. मे बी दैट स्ट्रक्चर वॉज नॉट सो एप्रोप्रिएट बिकॉज जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब किसी को आइडिया नहीं था कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये सब चीजें हो जाएंगी. अंडरस्टूड? यस मैम. तो हमारे पास जब आए तो हमारे पास ऑलरेडी, देखो बेटा बहुत फर्क पड़ता है, कोई चीज आपके पास बिल्कुल ना हो, आपको जीरो से स्टार्ट करनी हो, कोई चीज आपके पास एक बेस हो और उसके ऊपर बिल्डअप करना है, तो बहुत फर्क पड़ता है. जैसे साउथ अफ्रीका के पास कोई बेस ही नहीं था तो उनको जीरो से स्टार्ट करना था. कंटिन्यू. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent India. Thus, some basic rules were accepted by all readers much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution. Yani 1928 mein jo draft bana tha usme freedom, equality, okay, universal adult franchise, yani every Indian citizen has a right to vote and be a part of the government, as well as rights of the minorities. मतलब हम minorities को दबाएंगे नहीं, ठीक है? ये सब चीजें already mentioned. Understood? So हम लोग जब हमने जब actual constitution frame करने की कोशिश की, हमारे पास काफी सारे valuable structures already ready थे, जिन structures के ऊपर हमें और build up करना था कि जिससे हमारा constitution बहुत strong बने. Vasu, start reading. Yes, ma'am. The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. On the basis of British had introduced every week legislature elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministries all over the British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by the Indians in the working of by the legislature institution proved to be very successful, useful for the country in setting up its own institutions and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial government of India Act 1950. अब देखो क्या हुआ था कि जब मैंने आपको बोला ना, जब 1937 में इलेक्शंस हुए, काफी सारे इंडियन जो इंडियंस हैं उन्होंने कंटेस्ट किए थे इलेक्शन अंडर द कमिटी ऑफ, और यू कैन से अंडर द पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट.
अब जब गवर्नमेंट दे बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब उसके क्या उनके गवर्नमेंट में वो घुस गए थे, अब अंदर घुसने के बाद धीरे 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 देवर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक सरकार कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं. नो डाउट कितने सारे प्रोविंसेस को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने दिए थे ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे. उन्होंने क्या बोला, सपोज गुजरात है तो गुजरात में अपने इलेक्शंस हो गए, बट लास्ट का जो पावर था ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे वो एक पूरी सरकार चलाते थे, बट अल्टीमेट कंट्रोल वॉज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली. हमने वो पिछले चैप्टर में कैसे पढ़ा था, परवेज मुशर्रफ क्या कर रहा था, सब स्टेट्स में बनाने दे रहा था. उसने क्या किया था, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट भी बनाने दिया, उसने फिर आपको वो भी दिया बनाने को, क्या बोलते हैं, प्रोविजनल असेंबलीज भी बनाने को दी उन्होंने. उसके बाद क्या किया उन्होंने, प्रोविजनल असेंबलीज भी बनाने को दी. उसके बाद उन्होंने वो क्या करता था, अल्टीमेट डिसीजन परवेज मुशर्रफ का रहता था. इन द सेम वे ब्रिटिशर्स ने किसी किसी प्रोविंस में अलाउ किया था गवर्नमेंट को बनाना, बट लास्ट डिसीजन. तो कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर्स थे उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि एक सरकार कैसे चलती है, सरकार के डिपार्टमेंट्स कैसे चलते हैं, सरकार के अंदर काम कैसे होता है. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ऐसा नहीं था कि हम क्लूलेस थे बिल्कुल, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तब हमारे यहाँ मुगल रूलर्स थे, राजाशाही था, मोनार्की था. हमने हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट सरकार तो थी नहीं 200 साल पहले, तो लोगों को आइडिया थोड़ी था कि सरकार कैसे चलती है, देश कैसे चलता है. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज अ ग्रेट हेल्प टू देम. एंड इवन वी अडॉप्टेड, हमने ऐसा नहीं किया. कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स के कुछ अच्छे अच्छे रूल्स थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट में इंक्लूड करने से गवर्नमेंट की क्वालिटी बढ़ सकती है. तो हमने डिनाई नहीं किया, हमने भी साउथ अफ्रीका की तरह, ठीक है उनकी ये अच्छी चीजें हैं, दीज आर गुड थिंग्स, वी शुड लर्न फ्रॉम इट. सो वी अडॉप्टेड दैट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड मेनी थिंग फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी अडॉप्टेड मेनी थिंग फ्रॉम अमेरिकन रिवॉल्यूशन. यस भव्य. यस मैम, आपने जो कहा ना कि मतलब कुछ कुछ पावर्स दिए थे, तो उसमें जो कंट्री का इंटरनल अफेयर्स थे ना वो मतलब जैसे गवर्नमेंट को दिए थे, और बाकी करंट अफेयर्स जैसे दूसरे कंट्री के साथ अफेयर्स वो मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर. गवर्नमेंट को भी कैसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने दे दिए थे, और पर उनको वो गवर्नमेंट का सिस्टम चलता कैसे वो तो ये लोग चलाते थे, तो उनको काफी कुछ नॉलेज आ गया था बेटा. यस मैम. ओके चलो नेक्स्ट पैराग्राफ भव्य तुम ही पढ़ो. फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनदर बेनिफिट. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. The social revolution in USA had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equalities. Yet they were not simply in imitating यानी copy नहीं कर रहे थे. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to making of our constitution. It seems that most of the बच्चे पूरे एक साल lockdown में घर में reading करना ही छोड़ दिया. Reading का quality deteriorate हो गया है आप लोगों का. इसमें मुझे कुछ समझाना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया. हमारे पास फायदा था, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजें ले ली, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजें ले ली, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजें ले ली, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के. सो जो जो अच्छी चीजें हमें मिली इन सबको मिलकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मॉक ली, यानी सीधा कॉपी करके नहीं डाला. हमने उसको पूरा एनालाइज किया, सोचा, डिस्कस किया कि क्या ये चीजें हमारे देश में लागू हो सकती हैं, अगर होंगी तो वेदर इट विल बी बेनिफिटेड, व्हाट आर देयर ड्रॉबैक्स. एकदम अच्छे से एनालाइज करके, इमिटेट नहीं कि भी उन्होंने रखा है तो हमें रखना है, ऐसे करके हमने नहीं रखा. ओके नाउ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. व्हेन
when, then, where the makers of Indian Constitution, who then were the makers of Indian Constitution. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in me, because there were around 299 members and all of them cannot. Ma'am? Ma'am, ye kaha pe padh rahe? Yes, ma'am. The Constitution Assembly, first paragraph. पर हमारे में ऐसा नहीं है. क्या हुआ? मैम आप जो रीड कर रहे हैं वो हमारे हमारे बुक में नहीं है. तुम्हारी बुक में नहीं है? Yes मैम, ऐसा कोई पैराग्राफ ही नहीं है. Yes, मैम मेरे बुक में तो है. अच्छा the drafting committee वाला पैराग्राफ है? Yes. नहीं मैम, drafting of the document. नहीं मैम, वो भी नहीं है. नहीं है वो. हाँ? नहीं है मैम. अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, एक मिनट रुको. एक मिनट रुको, मुझे ही कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने. मैम भव्य ने जो पैराग्राफ रीड किया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और फिर हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अरे रुक जा ना एक मिनट भव्य, हैव अ पेशेंस. मैं भी देख ही रही हूं ना, एक सेकंड टाइम तो दो बेटा. कंटिन्यूसली ऐसे करने से तो मेरे को भी नहीं फायदा ना करना. तुम्हारी बुक शेयर करो तो स्क्रीन पे, मैं तुमको हाईलाइट करके देखती हूँ. पता नहीं मेरे पास जो बुक आई है उसमें तो सब कुछ है. यस मैम. एक मिनट में तुमको हाईलाइट करती हूँ ना तो पता चलेगा, पिन करती हूँ तुम्हें. ये मैं यहीं से तो पढ़ रही हूँ बेटा, who, when, then, यही तो पढ़ रही हूँ मैं. No ma'am. मैं यही पढ़ रही हूँ. Yes ma'am, यही yes, तो. Yes, who then were the makers of India? Okay, you will get a brief idea about some of them. क्या हो जाता है यार इन लोगों को. सही पढ़ रही हूँ मैं एकदम. मैं ये बोल रही थी कि वी विल गेट ओनली ब्रीफ डिटेल ऑफ सम ऑफ द लीडर्स एज देयर आर अप्रोक्सीमेटली 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो सबका डिटेल इसमें नहीं दे सकते, ये बोल रही थी. ड्राफ्टिंग कमिटी से भव्य पढ़ोगे? यस मैम. मैम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट पैराग्राफ से या एक्टिविटी के बाद से? एक्टिविटी के बाद से. द ड्राफ्टिंग कमिटी, क्या प्रॉब्लम है? यस मैम, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ओके, अंडरलाइन दिस. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon so after you can understand, one minute. So you can understand this is before official independence was declared. See, declaring and Britishers will leave India was almost settled down in 1946 only. But the official handover of Britishers, the government of India to India and the government of Pakistan to Pakistan was done on 14th and 15th of August 1947. So we have already started working on this committee before actual paperwork was done. Continue. Yes, ma'am. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constitution Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members.
The assembly adopted the constitution on 26 November 1949, but it came to effect on 26 January 1950. What is the difference between the Constitutional Assembly adopted the constitution on 26 November and came to effect on 26 January? Adopted or came to effect ke beech mein kya difference hai here? Ma'am, adopted means ma'am the constitution was written and completed. Ready ho gaya tha, humne usko sara proof read karke accept kar liya tha. Theek hai na? And came to effect matlab wo jo bhi rules and regulation constitution mein likhe hain वो इस देश में पालन कब से होंगे? 26 जनवरी 1950 से. ओके. यस मैम. द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, टू मार्क दिस डे, टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. व्हाई शुड वी एक्सेप्ट? ओके ओके ओके, लिव इट. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? आज के देश में, आज 50 years नहीं, almost 75 years हो गए हमारे देश को freedom हुए, पर आज भी हमने जो constitution तब लिखा था उसी को follow कर रहे हैं. Now my question is that हमें इतना पुराना constitution क्यों accept करना है? हम नया क्यों नहीं लिख लेते? क्या वो पुराना constitution आज की डेट में भी हमें एप्लीकेबल होता है? माही मैम, क्योंकि हम पूरा नया रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि उसके आधे लॉस तो राइट ही है ना, जितने रॉन्ग है उसको हम आप कौन होते हो, कोई भी इंसान कौन होता है उसको डिसाइड करने के लिए इसके आधे लॉस राइट है और आधे गलत है? मैम आधे गलत है वो भी कौन डिसाइड करेगा? मैम पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. पर हम क्यों नहीं लिख सकते भव्य? यस मैम, बिकॉज क्योंकि कोई ऑपोजिशन ही नहीं है हमारी तरफ से, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज करने की जरूरत ही क्या है? ऑपोजिशन की बात नहीं है, ऑपोजिशन तो जो पार्टी आएगी अगर वो चाहे, जैसे परवेश मुशर्रफ थे, पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को ऑपोजिशन नहीं था, बट वो पावर में आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करने के बाद उसने अपने आप को पावरफुल बना दिया, फिर जो चेंजेस किए उसने अपने फेवर में किए. हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों से क्यों एप्लीकेबल किया पता है क्यों? 299 मेंबर्स, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के ऑलमोस्ट 300 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, लैंग्वेज, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हाई प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, ऐसे सब लोग इन्वॉल्व थे. तो इन लोगों ने, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वॉज नॉट मेड बाय ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट वॉज दीज 300 पीपल वर रिप्रेजेंटिंग होल इंडिया. यानी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उन्होंने हर छोटी छोटी चीज, शायद इसीलिए ये अभी तक हम लोग एप्लीकेबल कर रहे हैं, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of its member alone. It expresses a broad conscience of its time. Many countries of the world have to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. Rewrite kab karte hain? Not only political parties. Agar social group, society ko accept na ho. Ab hamari society aur social group mein aisa hai nahi, kyunki humne usi time, banane ke time hi, हमने कोशिश किया कि कोई भी ग्रुप छूटे नहीं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो. इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेरी पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of constitution, but no larger social group or political parties have ever questioned the legitimacy. Legitimacy means uski authenticity. Yani wo sahi hai, appropriate hai, practical hai. Koi bhi cheez authentic hai ke nahi hai. Hamare constitution ko kisi ne question hi nahi kiya, authentic hai ke nahi hai, aisa. But no larger social legitimacy of constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution.
ये फर्स्ट रीजन है कि हमारी ऑथेंटिसिटी को हमने कभी भी एक्सेप्ट, मतलब किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन ही नहीं किया कि वो सही है या नहीं है या क्या है, बिकॉज हमने एक एक माइन्यूट डिटेल्स, बेटा 2 years, 11 months and 18 days इज अ लॉन्ग टाइम, 300 people वर्किंग फॉर दिस लॉन्ग पीरियड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट देयर शुड बी नो लूप होल्स एंड एरर्स. हमने थोड़ा भी अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं अमेंड किया है वो इसलिए नहीं किया कि वो गलत है, हमने उसको इसलिए अमेंड किया बिकॉज अब जमाना बदल रहा है, वी हैव टू कम अप विद द प्रोग्रेस विद द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम. So the Constitution Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of existing provisional legislatures that we mentioned above. This ensures a fair geographical share of the member from all regions of the country. ये Constitution किसी सरकार की committee ने नहीं बनाया था. ये Constitution इस देश के लोगों ने बनाया था. Understood? Yes. Okay, the assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led Indian freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and options. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different languages, group, caste, class, religion and occupations. Even if the Constitution Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. यानी हमने कोशिश की कि कुछ भी छूटे नहीं. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसाइंसनल मैनर. यानी सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, हर एक लॉ, हर एक क्लॉज, हर एक चीज पे डिस्कशंस हुआ, डिबेट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, सेटलमेंट हुआ, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया गया. So, गलत होने के ऑप्शन ही खत्म हो गए. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. सेवरल राउंड्स ऑफ थरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. द मेंबर्स डिलिबरेटली फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. These are Constitutional Assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. They are used to interpret the meaning of the Constitution. इसमें ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया? ये आपका working है, कैसे बना था वो दिखता है. कुछ ऐसा है आपको लग रहा है कि इसमें आपको समझ में ना आया? यस माही. मैम इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा था कि 5 लोगों को लीडर बनाया, तो उनके बीच में बहुत बहस हो रही थी, इसलिए एक लॉ बन ही रह रहा था, कोई भी एक लॉ. तो मैम इसमें तो 299 पीपल्स है, तो मैम एक लॉ में सब एग्री कैसे करेंगे? बेटा ये लॉ नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है. देखो वो क्या था, सरकार चलानी थी आपको, गवर्नमेंट रन करनी थी, समझ आया? ये तो देश का एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. अब इसमें एक बात है ना बेटा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे कौन सी ऐसी कोई भी सोशल ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप होगा जिसको फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी नहीं चाहिए होगा, राइट टू एजुकेशन नहीं चाहिए होगा? सिर्फ ये होगा कि वो लोग किस चीज पे कर रहे थे कि एजुकेशन है, तो जैसे बैकवर्ड क्लासेस को प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, तो उसके लिए हमने कोटा शुरू कर दिया, रिजर्वेशन शुरू कर दिया, लड़कियां ज्यादा पढ़े इसलिए लड़कियों के लिए कोटा शुरू कर दिया. तो ये सारे ऑप्शंस थे. नाउ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट.
At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble of constitution does. What is preamble? ये आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, मत बोलना, हमें मुझे पता नहीं है। What is preamble? Here. The whole constitution in short. Yes. It represents your guidelines, or you can say a short form or synopsis of your constitution. क्योंकि मैंने कहा ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैं बताऊं इस क्लास में मैं चार या पांच ही बच्चों को पढ़ाने आते हूँ, हीर, कभी कभी हेतवी, माही, भव्य, निर्मित, है ना, और बस खुशम पहले एक्टिव रहता था, अभी नहीं रहता है, बाकी का तो मुझे पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे लॉग इन, देन जवाब भी यही बच्चे देते हैं, क्वेरीज भी इन्हीं बच्चों को होती है, कैमरा भी यही बच्चे ऑन रखते हैं। लेट अस टर्न टू दिस वन बाय वन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज नेवर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉर ही इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, नॉर ही इंटरेस्टेड टू रूल अवर कंट्री, या so he, but he was the driving force to get the freedom, he was a driving force to get the freedom. Yes, he was a driving force to get the freedom. Now some of you may have noticed missing Mahatma Gandhi. He was not a member of Constitutional Assembly, yet there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to be. अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ये जो आगे पैराग्राफ दिया है, ये महात्मा गांधी के व्यूज हैं कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते थे। वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनी ऑफ द असेंबलीज, ही वॉज नेवर अ मेंबर, बट येस देर वर मेनी लीडर्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वे ऑफ डीलिंग लाइफ एंड looking at the structure of country, so they put up his views in the constitution. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class, no low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. Can you interpret it? What Gandhiji want to say here? ये मैगजीन को देने से उनको क्या हेतवी, क्या लग, क्या कहना चाह रहे थे वो, किस टाइप का देश चाहते थे वो? मैम वो ये चाहते थे कि मैम लोअर क्लास और पुअर क्लास जो भी, मतलब वुमेन, सबको इक्वल राइट्स मिले और उनको एक ऐसी कंट्री, उनको ऐसा लगे कि वो उनकी भी कंट्री है, इसलिए वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते। सो ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, जैसे लोअर क्लास, अपर क्लास, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण, शूद्र, ये सब हट जाना चाहिए और हर इंसान को ये लगे कि ये मेरा देश, ये देश मेरा अपना है और मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूं, है ना। और इवन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। निर्मित मैम वो ऐसा बोलना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम एक समान होना चाहिए। पहले के जमाने में वुमेन्स को इतनी रिस्पेक्ट या इतनी छूट नहीं मिलती थी जितनी मेन्स को मिलती थी। एक एग्जांपल, वुमेन और जो जितने भी गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन के लिए राइट नहीं थी। हम वो भी ऐसा कहना चाहते हैं कि उनको मिलनी चाहिए राइट्स। यस, एज मेन एज वुमेन। हां, सो इक्वालिटी चाहिए उनको सबके लिए, इक्वालिटी और फ्रीडम चाहिए सबके लिए।
this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in making the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constitutional Assembly, he stated his anxiety very clearly. ये नीचे का जो speech है, वो Dr. B.R. Ambedkar का है. On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equal, and in social and economic life, we will have inequality. उनको अभी भी लग रहा था constitution बजाने के बाद कि पॉलिटिक्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखा दिया हर इंसान एक है सबको इक्वालिटी, बट उसको उनको क्या लग रहा था, बट ये जब सोसाइटी में जाएंगे सोशल स्ट्रक्चर और कम्युनिटी में जाएंगे डिफरेंसेस अभी भी रहेंगे, शूद्रस अनटचेबिलिटीज या ओबीसी एंड ऑल दैट, या तो ये गैप रहेगा. इसको फिल करने में बहुत जितना महात्मा गांधी ईजी समझते हैं उतना डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को वो ईजी नहीं लग रहा था. तो उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने फ्रेम कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू सी एक्चुअली हम कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं इसको. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू. इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू. वन मैन वन वैल्यू मतलब अभी भी हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर गरीब है, कास्ट वाइज है ना. तो उनको ये लग रहा था कि कितना भी आप कर लो ये डिफरेंस आएंगे ही, सोसाइटी से निकाल पाना इतना आसान नहीं है. हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हाउ लॉन्ग शेल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. इफ यू कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग अवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रिंट. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitutional Assembly at the stroke of midnight of August 15, 1957. ये जो जवाहरलाल नेहरू का speech है, उन्होंने Independence Day के eve पे दिया था कि वो कैसा देश चाहते थे. I'm not going to read this. You people can read it by yourself. Okay. Now, philosophy of the constitution. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation for India's democracy. These values are embodied in the preamble of India, Indian constitution. They guide all the articles of Indian constitution. The constitution began with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. Preamble वाला constitution क्यों देते हैं? अमेरिका ने start किया था. Preamble आपको क्या करेगा? पूरे constitution के जितने भी main और highlighted part है वो दिखा देता है. Once started by America and now many countries are putting, because nobody can read this much long constitution na, sabke paas utna time hota hai ki itna lamba constitution padh lenge survive kar lenge uske sath nahi. Kisi ke paas bhi itna lamba time nahi hota hai ki wo survive kar sake itne sare constitution. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे हम सीधा आ जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे. एक बड़ा सा येलो स्क्वायर दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. द फर्स्ट वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब इंडियंस हैं जो इस देश में रहता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कोई एक ग्रुप, एक कास्ट, कल्चर, क्रीड या मेन या वुमेन नहीं. We the people of India means everybody, those who belong to this country, having solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economical and political, liberty of thoughts, expression, belief and faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. अब जितने जितने आपके डार्क बोल्ड वर्ड्स है ना येलो येलो कलर से, ये सारे वर्ड्स का जस्टिफिकेशन यहाँ दिया है. क्यों दिया है अब मैं आपको बता रही हूँ. इनको सबको आपको अच्छे से पढ़ना है. ये वन मार्कर टू मार्कर में आते हैं एग्जाम में. जो हाइलाइटेड है उसको, ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है ना, ये जितने हाइलाइटेड वर्ड है वो सारे यहाँ एक्सप्लेन किए. सोवेजिनिटी, वो क्या मीनिंग करते हैं, उनका मीनिंग दिया हुआ है. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इन अवर कंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या है. The constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives. यानी हमारे देश के लोगों के representatives, जो 300 लोग थे, different different areas, caste, culture, उन्होंने मिलके ये constitution बनाया. So that is we the people of India. And not handed down to them by a king or outside power. यानी ये constitution किसी एक political party या किसी राजा या किसी monarchy, किसी dictator या ऐसे ने नहीं बनाया. ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों में से ही सिलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया. सोवेरेन पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी हमारे देश की सरकार को इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट में अपने डिसीजन लेने का अधिकार है. कोई और देश की सरकार या कोई और राजा या कोई भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटीज. यानी सोसाइटी में इकोनॉमी लानी है, इक्वालिटी लानी है. सेक्युलर सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन ऑल रिलीजियस ब्रीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल. यानी आप कोई भी धर्म मानो वो आपकी इच्छा है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते कुछ. और हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्टेड देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. हमने ये डेमोक्रेसी में पिछले चैप्टर में पढ़ा ना. Republic. The head of the state is an elected person and not a hereditary position. Republic मतलब क्या होता है, जैसे वो हेरिडिटी होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो हेरिडिटी होता था. हमारे यहाँ कैसा होता है, इलेक्शन में जो जीत के आएगा वो देश चलाएगा. सो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा या हेरिडिटरी नहीं होगा. Justice. Citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. यानी सबको जस्टिस मिलेगा. ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मुझे ही मिलेगा या मैं ये कास्ट से बिलोंग करता हूँ. जिसको भी लगे मेरे साथ इनजस्टिस, एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू गो एंड आस्क फॉर द जस्टिस. लिबर्टी देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन विच दे थिंक how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in the action. Yani aap free ho jo karna chaho. Equality, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity. Fraternity, all of us should behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as an inferior. Aa gaya samajh mein? Ab let us read the preamble of our country very carefully and understand the meaning of each of it. The preamble of the constitution reads like a poem of democracy. It contains the philosophy in which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian constitution. Ab hamara constitution ban gaya.
इम्प्लीमेंट हो गया, हमने समझ लिया, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को है ना अडॉप्ट भी कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज लिखी है ये फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है कौन देखेगा, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरिली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन फिलोसॉफी, एज वी नोटेड अबाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इन टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यानी जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, सबको मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या कंसिक्वेंसेस है, किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, और नहीं मिल रहा है तो कैसे अवेलेबल, ये सब भी तो देखना तो पड़ेगा ना बेटा, किसी के फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा सब। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट, इट इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in society. They did not see it as a scared, static and unalterable law. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. समझ में आया? जब time to time cope up जमाने के development, IT, technology, social growth pattern, पॉपुलेशन इंक्रीज, इन सबको कोप अप करने के लिए जो आप थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। हम पुराने वाले को कैंसल नहीं करते हैं, अमेंडमेंट का मतलब जो ऑलरेडी है उसी के अंदर एडिशनल चेंजेस या पॉइंट्स ऐड करते हैं, दैट इज अमेंडमेंट। हम उसको काट के फेंकते या उसको कैंसल नहीं करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution laid down a procedure for choosing person to govern the country. Ab, hamare constitution mein kya likha hai? Ye desh wahi log chala sakte hain jo elected representative. Matlab sab cheeze likhi hain. Legislator ka kya role hai? Executive ka kya role hai? Judiciary kya karega? Union government kya karega? State government? Matlab sab कुछ मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस हु विल हैव मच पावर टू टेक विच डिसीजंस। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। समझ आया? तो उन्होंने सिटीजन के भी राइट्स कर दिए हैं, गवर्नमेंट चलाने वालों के लिए एक बाउंड्री बना दी है कि आपका ये फ्रेमवर्क है, इतनी बाउंड्रीज है, ये आपके पावर्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव टू फॉलो। The remaining three chapters in this book are about these three aspects of working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in your textbook next year. 10th mein bahut kuch aayega aapko. Ab jaise abhi aapne kya democracy padha, fir abhi aapne constitution padh liya. अब इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस कैसे होते हैं, फिर हमारे डिफरेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे और हम सिटीजन के डेमोक्रेटिक राइट्स। अब यहाँ पे ना बेटा एक ग्लॉसरी दी है ये आपको, अगर देखोगे तो आपकी बुक में। यस मैम। प्लीज मेक श्योर यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ये फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वन मार्कर क्वेश्चंस, ऐसे सब में आ जाता है। Understood? तो आपको इसको मार्क करना है तो आईएमपी मार्क कर दो। अब आप लोगों के रह जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मैं ये ऑब्जेक्टिव्स करा देती हूँ और मोस्टली वर्कशीट कल फॉरवर्ड कर दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं फ्राइडे को कॉन्स्टिट्यूशन की वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री चला दूंगी। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो फटाफट। यस मैम। फटाफट रेडी हो जाओ। फटाफट एमसीक्यू कर लेते हैं।
Okay. Here are some false statements. Identify the mistakes in each case and rewrite these correctly based on what you have read in the chapter. Yeah, na first question. Yes, ma'am. False part nikalna hai. First is leaders of freedom movement have an open mind about whether the country should be democratic or not after independence. इसमें गलत पार्ट क्या है मैम मैं दूं आंसर हाँ बोलो ना लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड मैम गलत पार्टी बताना है सिर्फ नहीं आप सही स्टेटमेंट भी बता सकते हो द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड अ कॉन्सिक्वेंस दैट द कंट्री शुड बी अ डेमोक्रेटिक नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके हिसाब में क्लियर आइडिया था द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड बीन क्लियर दैट द कंट्री शुड बी अ डेमोक्रेटिक आफ्टर इंडिपेंडेंट ओके मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैम कहना है हाँ बोलो मेंबर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड सेम व्यूज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स Constitution. See, members of Constitution Assembly work in a systematic, open and consensual manner to resolve differences among them. ऐसा नहीं था कि उनमें differences नहीं थे, पर उन्होंने बहुत open और systematic way से वो differences solve किए. Next by Mahi, फटाफट. मैं पढ़ती हूँ आप answer के लिए ready रहो. A country that has a constitution must be a democracy. A country that has a constitution must or must not be a democracy. हाँ मे और मे नॉट बी अ डेमोक्रेटिक अगर डेमोक्रेटिक नहीं भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है उसका ओके नेक्स्ट बाय राशवी कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट टू कीप इट अपडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इवन इफ इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री रिक्वायरमेंट है तो आप बदल सकते हो Now, which of these was the most silent underlying conflict in the making of democratic constitution of South Africa? Yani, kaun sa major conflict tha? Yes, here. C, between the white majority and the black majority. C is the correct answer, between the white and the black majority. Okay. Next by Nirmit. Kahan gaya? Which of these is a provision that a democratic constitution does not have? देखो डेमोक्रेटिक में पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट होता है ना हमारे यहाँ स्टेट में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना पावर्स के लिए यस मैम ओके फिर उसके बाद पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर भी होता है नेम ऑफ द कंट्री भी होता है ओनली नहीं होता है नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट मैच द फॉलोइंग बोल गया मुझे पता नहीं था ओके कोई बात नहीं सीखने के लिए आते हो बेटा अब यहाँ पे Match the following leaders with their roles in the making of the constitution. Motilal Nehru. Vasu, fast. Yes, ma'am. Can I? Chairman of drafting community. Prepared a constitution for India in 1928. Motilal Nehru drafting committee तो जिंदा ही नहीं बचे थे. B.R. Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee. Third, Rajendra Prasad, President of Constitutional Assembly. Sarojini Naidu, Member of the Constitutional Assembly. Time over ho raha hai. Fifth ke baad, next class mein karenge, followed by worksheet. Theek hai? Okay, ab yahan pe kaun hai jisko main host bana sakti hun? Main Manthi, ma'am. Haan.
गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग एवरीवन नाउ आई एम एबल टू हियर यू ओके फाइन यस जस्ट अलाउ मी फॉर टू मिनट्स आई जस्ट वांटेड टू हैव सम वाटर By the time, decide what you what we have to do today. Then should we start text? Or ma'am, figures of speech. Yes. What we have to do? Ma'am, text or grammar? As you wish. Morals are completed. Have you gone through the notes? No, ma'am. I have not got the notes. Ma'am, I got the notes. Who has not got the notes? Heer. Heer has not got the notes? Heer, you are no, from which branch, beta? Narayanpura. Narayanpura. Okay, Sakshi, ma'am. Must be busy. Mansi ma'am, please take care of that thing na. She has not received, has Narayanpura branch not received the notes. Just check it and receive ma'am. Them for them. Ma'am, she is not connected to audio. Ma'am. I know, but she is able to listen to us na. No, ma'am. No, ma'am. She can only no, ma'am. See she our can't video. Listen to us. How is it possible? Ma'am? Yes? Ma'am, हमारे English exam 20 marks की थी लेकिन हमको 30 marks में से वो मिला है. 20 marks में से ही है. तुम 20 marks से गिनो. मैंने marks change नहीं किया. Obtained from वाले में 30 में से 20 नहीं किया मैंने. खुश? वो मेरी mistake है. But तुम्हारे marks 20 में से ही है. ma'am, मैं तो पहले भड़क गया था. 30 में से मुझे इतने आ गए भड़क गए भड़कने का मतलब समझते हो हिंदी इतनी पोर है तुम्हारी भड़कने का मतलब गुस्सा डर आला। गया था हाँ डर गया था बोलो मैम पेरेंट्स भड़क गए होंगे हाँ पेरेंट्स भड़क सकते हैं 40 में से इतने से मार्क्स आए तुम्हारे लेकिन आपने आउट ऑफ में नीचे 20 लिखा था कंफर्म हो गया पहले डाउट गया था मैम कि 30 में से आए पर क्वेश्चन पेपर दिखा देते ना बेटा आप क्वेश्चन पेपर दिखा देते तो नहीं होता ठीक है मैं इतना अंकल सिलेबस आ गए क्या नहीं सुनाई दिया बेटा थोड़ा जोर से बोलो मैं इतना अंकल सिलेबस आ गया मैम आ गया क्या लिखा है एग्जाम कैसे नंबर में ऐसा कुछ है जो हमने नहीं किया है मैं मॉडल्स किए हैं मॉडल्स फिर क्या है जो नहीं किया है राइटिंग्स किए डायरी राइटिंग आर्टिकल राइटिंग अच्छा और मैम मेरे भी आ गया है आ गया टीचर माइनर तो आ गया वो कोई बात नहीं है पर ये देखो कि ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो हमने नहीं किया है मैम आप मैम डिटेल माइंड क्या स्टोरी राइटिंग और फिर इंटीग्रेटेड ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए फिर भी मैं एक प्रोवाइड कर दूंगी फिर मैम स्टोरी राइटिंग भी है इंटीग्रेटेड ग्रामर भी है स्टोरी राइटिंग नहीं किया है नहीं किया राइटिंग पोर्शन नहीं किया हमने
करो नहीं मैम क्या नहीं मैम चलेगा चैप्टर चलाओ ना चैप्टर करो स्टोरी राइटिंग नहीं कर स्टोरी बनाने में तो हम आई रहे स्टोरी राइटिंग तो मैम इजी है चैप्टर करो स्टोरी राइटिंग में टाइटल लिखना मत भूलना वरना मार्क्स चले जाएंगे ठीक है ओके चलो ठीक है क्या करना है चैप्टर करवाना है कौन सा चैप्टर करवाना है बोलो फटाफट जल्दी बोलो मैम सिबी का नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर का नाम बोलो जल्दी बेटा क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा अच्छा ढूंढो चलो ढूंढो ढूंढ ढूंढ के बताओ मुझे कि कौन सा करना है मैम ईश्वरा एंड द स्टोरी टेलर आंसर मैम लिटरेरी डिवाइसेस नहीं मैम वो नहीं वो एक्चुअली मैंने लास्ट के लिए रखा है क्योंकि पोएम में चैप्टर्स में हम लोग कर ही रहे हैं लेकिन एक बार लास्ट में हम रिवाइज करने के लिए सब मैम रेन ऑन द रूफ करें रेन ऑन द रूफ हां मैम ओके चलो तो मैम हमारे चार चैप्टर और चार पोएम सब हो जाएगा मैम रेन ऑफ द रूफ है हमारे सिलेबस में ठीक है बेटा तो हम कंप्लीट कर लेते हैं रेन ऑन द रूफ ठीक है नाउ विद द टाइटल वी कैन मेक आउट विच द पोएम इज अबाउट रेन 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 द पोएम इज अबाउट रेन ओके The poet is telling us about the memories he has of the rain. Yes, beta. मैंने chat में भेजा है वो आपने नहीं करा है. अच्छा मैंने नहीं करा ऐसा है आपने chat में भेजा है मैं देख लेती हूँ हाँ बेटा. मैम दोनों में भेजा है मैंने. दोनों में भेजा है? Yes, मैम आपने दो device join किए दोनों में भेज दिया. दो device से क्यों join किया हमने? दो डिवाइस से ज्वाइन करने से क्या होगा एक से ज्वाइन करके रखो बेटा अरे मैम वो कह रही है कि आपने जो दो डिवाइस से ज्वाइन किया ना दोनों में मैसेज दोनों नंबर्स पे भेजा है आपने अच्छा गॉट इट सॉरी माय मिस्टेक आई मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विच यू हैव शेयर्ड विद मी ओके एक तो मुझे ना सबकी शक्लें नहीं दिख रही है आई कैन सी दिया निर्मित Instead of wallpaper, I wanted to see your face. Ma'am, just a second. Yes, you can take 2 minutes also. Very good. Good students. Everybody has switched, keep the camera on. Ye manav ki shakal meri class mein na 10th mein ek bachcha hai, Janil karke. Usse bilkul milti hai. Dono ko saath mein khada kar do, to dono juda bhai lagenge. Heer, beta camera on. Krish, Adik. एंजल जैनम मयंक कीप योर कैमरा ऑन बेटा ओके हाँ मानव नहीं बताओगे दूसरों को तो भी चलेगा ठीक है ओके रेडी एवरीवन अभी निर्मित ने वॉलपेपर के ऊपर खुद को फिक्स कर लिया है नहीं नहीं चलेगा बेटा मेरे को चलेगा मेरे को आपकी शक्ल दिखनी चाहिए बस दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओके लेट्स बिगिन विद द पोएम इफ यू सी एनीबडी वेटिंग इन द वेटिंग इन द रूम प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई हैव स्विच्ड टू द चैप्टर नो सॉरी पोएम ओके ओके बराबर है ओके Do you want to see the video? Let me see. Yes, our video है ये. अगर ये सिर्फ explanation वाला है तो मैं नहीं दिखाऊंगी. मैम आप बुझाती हो? नहीं दिखाना. तो मैम आप बराबर है बोल रहे हो. What? मैम आपने बराबर है बोला ना इसलिए ऐसा लगा. आहा नहीं नहीं नहीं. Okay. Rain of the room roof. Okay. So in this, the poet is sharing his memories related to rain. The sound of raindrops falling on his roof and the sweet smell of the bricks after they get wet with the rain. हमें भी आती है ना सौंधी सौंधी खुशबू जब बारिश होती है तो yes ma'am मिट्टी की खुशबू मिट्टी की yes ma'am
बहुत प्यारी लगती है, और अगर उसी जगह पे ब्रिक्स हो ना तो उसकी खुशबू तो बहुत ही प्यारी आती है. यस ओके. सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ओके, हाउ द रेन कम्स, व्हाट इज द फर्स्ट फीलिंग? इट बिकम्स वेरी ह्यूमिड, राइट? ह्यूमिड क्लाइमेट. Extremely humid and we are not able to even breathe properly. It becomes so cloudy, right? Yes, ma'am. So when the humid shadows hover, what is the meaning of hover? छा जाना. छा जाना नहीं, घूमते रहते हैं ना जैसे, मंडराते रहते. Okay, just like for fan also ना बेटा, कभी भी आपको जैसे if you have to say about fan that it is hovering. It is revolving. So we never use revolving. We always use it hovers. Okay. Fan के लिए क्या use होता है? Hovering. Okay. Helicopter के लिए भी क्या use होता है? Hovering. Hovering. Okay. So in here also, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness. Gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a quartered chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Now, here, humid means full of moisture. Atmosphere full of moisture. Now, what does the word shadow refers here? Ma'am, because of the clouds, the light of sun don't reach to the ground and it will become dark. Yes, moisture laden gray clouds are there which blocks the sun rays and its reflection falls on earth, right? That is referred here. Okay, now hover, move around something. Okay, hover means move around something. Melancholy, sad. Okay, melancholy means sad. Bliss, happiness. Bliss is? Joy. Yes, joy or happiness. Both are correct. Okay, patter. Pitter-patter, we call the falling, the raindrop falling sound, we call it at pitter-patter. Small, unclear sound can also be pitter-patter. Yes, sound of raindrops. Actually, sound of raindrops falling on the roof is called patter. Okay? Ma'am, what is starry sphere? What is? Ma'am, in second line, starry sphere. Starry, what is starry? The Rama. What is the meaning of stare? Try. When we watch something constantly. Okay? So, starry. Ooh, spheres, okay, surface, a surface which is stuck there, okay. The poet is saying that when the humid shadows, okay, humid shadows, yeah, that means dark clouds. Humid shadows means dark clouds. Yes, which are full of water, water. Okay, they hover over the sky. The poet is saying that when the sky is full of these kinds of clouds, which are moisture laden and are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around the sky, over all the starry spheres. Now, starry spheres here means it refers to the sky at night. Okay, which is full of stars. Understood now? Yes. Huh? Starry spheres refers to the sky at night time, which is full of stars. Okay. At that time, huge clouds, which are full of moisture, move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops. Now, night is a sad thing. Black is a mourning color. Yes, ma'am. One second.
Okay, so black is a sad mourning color. Okay, so it's the poet says that although black is a mourning color, it's a sad color, but still when the moisture laden clouds they appear in the sky and entire day and they block the sunlight, at that time it seems like it's a starry sphere. That means it's the night has fallen before the time, right? And it is not this sad as the night is, because it is taking away, it is wiping off. Okay, it is wiping off the sadness with the raindrops. It is wiping off the sadness with raindrops. Okay. The poet is comparing raindrops to the tears. And he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as if it is crying. And the raindrops are the tears shed by it. It adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room. Okay, cottage chamber means bedroom. Okay, and listens to the sound made by raindrops falling on the roof. Right? This is the first thing. Any doubt here? No, ma'am. Ma'am, yeah? What is gently weeps in rainy tears? Gently weep in the rainy tears. The poet is saying that these raindrops are just like tears. Okay, these which are taking away, which are falling and taking away the pain of the night, which is sad. Okay? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ आता फिर से पूछो, कोई इशू नहीं है. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof. As I listen to the patter on the rain upon the roof. Now here tinkle means sound, light ringing sound. Tinkle means rain on the roof, light ringing sound. Light ringing sound, light ringing sound, or a short ringing sound. Okay, shingles, rectangular wooden block used on roof. Used for making roof. Okay, echo. Echo. It's not echo, it's echo. Sound of E is always sound that is bouncing back to us. Repeated sound. What is an echo? Repeated sound. Repeated sound. Very good. Woof. Then the threads woven across the loom. Yes. Threads woven across the loom. Patter. Ma'am, that Peter patter, you tell na. Again the same. The sound of raindrops falling on the roof. Okay. Busy being refers to the human beings. Busy being is referring to the human beings. Okay. Here, the poet is referring to himself. When he's saying busy being, so he's referring to himself. So the poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the roof of the house. He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Okay, so whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and in his dreams. He has many different fanciful imaginations. Whenever the rain comes, do we have the imagination? Yes. If we are sitting alone and watching, just enjoying the rain, do we have the imagination? Yes, of course. Our mind goes toward the beautiful things. कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर, काश मैं ऐसा कर सकता, वैसा कर सकता, है ना? Yes. He adds that this sound of the rain falling on the rooftop
creates many new different dreams in his mind. He also recollects the memories of his past, okay, and comes back to the mind with his dreams. So he says that when he listens to the pattering sound of the rain on his roof, he has many dreams which are of past and connected to the new, okay, and which are forming the dreams. Understood? Yes, ma'am. Okay, third stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Ere, it's an old poetic word which is used for before. Before. Yeah. Okay, dawn, daybreak, evening time, when there is no, that's not the daytime, neither the night. Okay, list, again an old word, poetic word, which means listen. L-I-S-T-E-N, okay? Refrain. Refrain is the repeated part of the song. Or a poem. Or a poem, okay? Hear the sound of rain. So here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother, as he has told in the previous stanza that rain brings memories of the past. Just 1 minute. Okay, so as we have seen in the previous stanza, he is talking about the dreams, like he is having the old memory dreams, which are connected to the to his new dreams. So in those past memory dreams, he is watching his mother as well. Okay, and he says that I can still feel the warmth of my mother around me whenever, as if she's looking at me. Okay, and as he listens to the song made by the raindrops falling on the roof of the room. Okay, the sound of the rain makes him correlate his past and present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of the room. Whenever he hears the sound, it brings back to his memory. Okay, and he reminds of his mother. So now he hears this, the poet's mother left him, right? Yes, she is no more now. So he is remembering her presence. Okay, now, rhyming scheme of the poem is A, B, C, B, D, E, F, E. A, B, C, B, D, E, F, E. This is the rhyming scheme. Okay. Now, in this stanza one, first is alliteration. What is alliteration? Repetition of a consonant sound. Repetition of a consonant sound is called alliteration. Starry spheres. Yes, like humid hover. Starry sphere. Starry sphere. One by one. In humid hover, which sound is repeated? H. Okay. Starry spheres? S. Okay. Press pillow? P. Press pillow, P. Lie listening? L. Lie listening? L. Second thing which is there in the first stanza is
On a metal pie. It is the use of sound words to create dramatic effect. Onomatopoeia is the use of words which create a dramatic effect. Okay. And auditory imagery. Which is that word which is creating a dramatic effect? Patter. Right? Patter is the use of sound word. Onomatopoeia is a sound word. Use of sound words. Example, patter. Here it is use of consonant sound. When is the vowel sound used? When vowel sound is repeated, which poetic device do we use? Assonance. Repetition is something else. Okay. Now next is personification. Okay. This is first, second. Next is personification. What is personification? When a non-living thing is compared to a living thing. A non-living object is compared to a living non-living thing. Yes. Treating a non-living thing as a living being. So which is that? Darkness has been personified when he says that it is sad. It is used for a person, living thing. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. So when it is written, darkness has been personified. Which is the example? Darkness. Okay, it has been personified as sad. Darkness. It is sad. Right? Understood? Yes. Clear with it? Yes. Any doubt in any of these? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now next is transferred epithet. Now in transferred epithet, it's a use of adjective. Use of an adjective. Adjective. Okay. With a noun. With a noun. This is a short form of with which I write notes. Okay. You can write the adjective with a noun. Okay. When it refers to another round noun. Now, which is that? Cottage chamber. Huh? Cottage chamber. The cottage and chamber both are noun, beta. There is no adjective in that. Melancholy. That means. Melancholy. Melancholy. Darkness. Darkness. Okay. So in that, melancholy is the sadness. It's an adjective. Okay. But this is referred to sad people. Understood? Melancholy darkness is represent. It's not the darkness which is sad. It is about the people who are sad. Okay. Done with it? Should I erase? Yes. Then what is melancholy? What is melancholy? Sadness. Sad. So in darkness, sadness, so wo bhi sadness hi hai? Nahi, darkness to darkness hai. Darkness, sadness nahi hai. Aise bol rahe hai ki darkness jo hai, wo sad hai. Melancholy darkness. Darkness is melancholy. Darkness is sad. Whereas this term is referred to the people who are sad. Understood? Okay. Should I erase it? This is about stanza one. Yes. Ma'am, we have to write all this or you will send PDF.
I'm not going to send anything in the PDF. Don't worry, I'll send it. When I send the notes, I'll send it. Na, every time. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lesser down your work, you can note down because ultimately you have to write it. Okay. Next one, stanza number two. Again, now rhyming scheme is not going to change because that is for the entire poem. In this, is different. Huh? Rhyming scheme is different here. A B, then a C. A B, A C. B, C. Like this it is. नहीं बेटा मैम फर्स्ट में ए बी सी बी था ना मैम और इधर मैम ए नहीं बेटा सेम ही है आई मीन स्कीम Rhyming scheme is same. A, B, C, B, D, E, F, E. But ma'am, A or C same nahi hai? I'll tell you. नहीं ए और फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा जो स्टेंजा की जो लाइंस है वो सेम नहीं है ठीक है फोर्थ देखो ए इज डिफरेंट नॉट रिपीटेड एनीवेयर इन द एंटायर स्टेंजा यस और नो शिंगल्स से मैचिंग कोई भी वर्ड नहीं है लास्ट में पूरे स्टेंजा में है ना बी वाला जो है हार्ट एंड स्टार्ट आर सेम बीच में सी डिफरेंट है फैंसीज अगेन फैंसीज रिपीट नहीं हुआ है कोई भी वर्ड में है ना सेम साउंड रिपीट नहीं हुआ है देन डी अगेन अ डिफरेंट साउंड कलेक्शन सिंगल्स एंड फैंसीज का साउंड थोड़ा सेम नहीं आता इसका सिंगल्स एंड फैंसीज नहीं बेटा नो मैम बिल्कुल बी नहीं है बिल्कुल बी नहीं है अलग है उसका साउंड ठीक है डी का साउंड भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा फिर बाद में ई हमने लिया है ई के बाद में वूफ एंड रूफ आर रिपीटिंग एंड द मिडिल साउंड दैट इज पैटर देन अगेन इट इज डिफरेंट यस मैम तो राइमिंग स्कीम तो सेम ही है बेटा ठीक है नाउ अगेन एलिटरेशन इज देयर Now I have explained you what is alliteration. So find out and tell me the examples. Ma'am, has and has. Busy being. Sound of B, right? Then. Ma'am. Yes. Ma'am, I am joined from another device. Can please take me. Just one minute. Ma'am, there and thread. Admitted. Going to the stanza, beta, 1 minute. First is? Has and had. Busy being. Second is? Yes. Their threads is there. Sound of TH? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is rain roof, use of R. And then weave and woof.
Where? Second stanza? Yes, ma'am. Second stanza only. Woof. Yes. Yes, weave and woof. And ma'am, has and heart. Second line. It should not be too far from each other, na beta? And no, ma'am. It is not like. So, ma'am, weave and woof are also far. Ah, that's why I'm not taking it. I was not taking it. It should be near. So, busy being are near. Their threads is near. Then rain and roof can't be together. Ma'am, in repetition, the and the at the last line. Yes. Okay, TH. Fine. Then next is onomatopoeia. Yes, use of sound words. Two words are there. Use of sound words. One is patter, right? That we know. Second one is tinkle. Yes, ma'am. Okay. Next. Next is personification. Yes, personification. Ma'am, dreamy senses. How the dreamy senses? Recollection. Recollection is personified when he says that they weave dreams. They is used for recollection of the memories. Right? Yes, ma'am. Yes. I'll write this line because this you need to notice. So this you note down there. Recollection is personified. When he says that they weave dreams. Okay? Now next is transferred epithet again. Okay, transferred epithet. Use of an adjective with a noun. Yes. Pick out the word, please. Ma'am, dreamy fancies. Yes, very good. Dreamy fancies. Now here, it doesn't mean the fancies are dreamy. Okay, but it refers to the people who have dream. Okay? Done with it? Should I erase? Yes, ma'am. Ma'am, we can write busy being. Huh? Busy being. Ma'am, because being refers to human. Yes. Okay, now third one. In the third stanza, we have only two poetic devices. One is alliteration. And the second one is onomatopoeia.
Ma'am, in alliteration, it will be darling. Darling dreamers. Darling dreamers. Sound of D. D. And then my mother. My mother's. Yes, ma'am. My mother. M. Ma'am, we can respond. No. Acha, isme. Oh, sorry. I thought you were telling about onomatopoeia. Here, three words are there. Memory, my, mother. Right? Repetition of D. Oh, sorry. M. M. Ma'am, feel fond. Ma'am, in fifth line. Them till the. Ma'am, only one word is there between. No. Feel fond. F. Feel fond. Hai na? Yes, ma'am. Feel fond is there. Okay, fine. Fine. Next is onomatopoeia. In onomatopoeia, what will you use? Which one is there? Only one word is there. That is patter. Right? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay, fine. Fine. Okay. Now, let me tell you more about the poet. Now, the poet quotes Kenny. She died in 1904, is trying to relate the rain to his past memories. अच्छा ये तो male है, female नहीं है. His past memories, both sweet and bitter. Okay, by listening to the patter of the rain, the poet lies on his bed and holds his pillow tightly and then gets lost in the thoughts of his caring and loving mother. Okay? Okay. Now I wanted to ask, what is the main theme of the poem, poem Rain on the Roof? What is the theme of the poem, Rain on the Roof? Ma'am, it means that when rain falls, we have 1,000 dreams and we call out the past memories. Okay. And ma'am, we have new dreams and good memories. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे मुझे बताना इसका थीम क्या है. When rain comes, sadness होते हैं ना, sadness, people who are cry, who wanted to cry but no, doesn't want to show the tears to the other people, they mostly go in the rain, right? What do they do when they go in the rain? And if you are sad, you are going in the rain, you are not crying, but still if you are going in the rain, what happens? Does it changes your mood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what power it is having? Ma'am, it refresh the human being. Huh? From the busy, ma'am, it refresh the human being from the busy routine. Yes. So what do we call it? It has a healing power. Right? Yes, ma'am. Yes. It has a healing power and you can say the theme of the poem is the healing power of the rain. The musical sounds of raindrop falling on the roof at night makes you forget everything, every worry, right? Yes, it vanishes all our sadness. And sweet memories arose in you. Okay? In that busy mind, which is already, kitne bhi busy hain hum, dimag mein kitni sari cheeze chalti rehti hain. But when it comes to rain, और हम जब rain को देखते हैं या उसे feel करते हैं, उसकी feeling जब आती है हमें rain की, we forget everything. Yes, and we feel fresh. Yes, we feel refreshed. We feel the sound of falling of the rain. We feel the droplets on our palm and we feel so relaxed. Right? I have a very
good thing in that I have a very I have all the rains. I have beautiful memory. I love to go in rain. I don't want to splash the water, but yes, when rain comes, I love to open my arms and feel it on my palm and on my face. Especially in the garden when I go, I lie on the grass. I feel the rain on my entire body and it seems so soothing. So soothing that I forget everything. Everything so refreshing. Right? As if like the rain gives new life to the plants and trees. And ma'am, the atmosphere becomes pleasant. Yes, yes, exactly. So it soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. Okay, what appears when the rain falls on the shingles? Ma'am, patter, twinkling. It creates tinkling sound? Yes? Yes. They create tinkling sound and the tinkling sound echoes in the heart. Right? It seems like it's coming back from our heart. It is touching to our heart and coming back again. Yes, ma'am. And thousand old memories weaves around us with that sound. Who comes in the memory of the poet in the poem? His mother. Her mother. His mother. Her mother. Yes, yes. His darling mother. Right? What yes, do ma'am. We learn from the poem, The Rain on the Roof? That we should enjoy the rain. And that we should enjoy the weather. We should enjoy the weather. No, I think what should be the best suitable? We should enjoy the weather or it should be like, we should be like rain. Yes, ma'am. We should be like rain, like when people are around us or we are around people, they should feel the joy and contentment. They should feel happy when we are around. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So can we be like rain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course. If you can bring the smile on others' faces, there is nothing more important or there is no other joy than better than this, right? Yes. Yes. Fine. These were a few questions. Let me see if I could get more. Okay, what does the poet imply by humid shadow? If the human shadow refers that it is the shadow made by the clouds, heavy clouds. Or we can simply say clouds full of rain? Yes, ma'am. Right? And what does the phrase starry spheres refers to? I told you. The sky at night full of stars. Very good. Very good. Excellent. These answers come instantly when you are attentive in the class. Understood? Okay, what does the poet consider to be a bliss in the rainy season? Ma'am, the droplets in the weather. Shower falling on the roof and making yes, sound. The weather and sound? The yes. Pitter-patter sound. Yes. Okay, which poetic device has been used in lie listening? Alliteration. Which sound is repeated? L. Very good. Which poetic device has been used in the third and the fourth lines? Ma'am, of which para? Yes. Third and the fourth line, any of the paragraph. Personification in third line. Huh? Personification in third line. Personification, okay. And fourth line? Transferred epithet? Yes, ma'am. Right? In each stanza, third line indicates the personification.
No, third line employs transferred epithet. Fourth line employs personification. Ma'am, in second paragraph, dreamy fancies will not come personification. No. It is something ma'am else in, now I've given you. Ma'am, in first paragraph, melancholy, darkness is not personification. No, it is not. It is not. Personification is when a non-living thing is indicated with a noun or pronoun to represent it as a living being. Understood, beta? Yes, ma'am. And transferred epithet is when an adjective is used before a noun. Okay? Okay, ma'am. Yes. Okay. I'm asking you the question from stanza number 2 now. What finds an echo in the heart of the poet? Every tingle on the shingle. The twinkle of the sound? Tinkling sound? Yes, ma'am. Echo of the heart means tinkling sound. Remember this thing. Echo of the heart, tinkling sound. Okay. Okay, how does the sound of the rain affect the busy mind of the poet? Boys, are you sleeping? Only girls are answering. What happened to the boys? How does the sound of the rain affect the busy mind of the poet? Ma'am, the sound of this rain refreshed the busy mind of the poet and refreshed all the past memories. Okay, or we can say that the rain sound triggers thousands of imagination and dreams. Yes, ma'am. Fanciful ideas. Yes, in the ma'am. Busy mind of the poet. Right? Explain the metaphor used in "and a thousand recollection weave their air threads into woof." Explain the metaphor used in "and a thousand recollection weave their air threads into woof." Ma'am, recollection. Very good. Recollection is compared to? Ma'am, to weavers. Yes. Recollection is compared to weavers. And memories are compared to? Fabric. Right? So, entwined memories create a unique fabric of memories. Okay. Which poetic device has been used in the last line of this stanza? Ma'am, alliteration. Alliteration. Which are the words? Rain, roof. Roof. Rain, roof. Very good. And the sound is? R. Yes. Okay. Now, questions from third stanza. Okay. Who comes in the memory of the poet and when? His mother came. When the brain. Yes, his mother, the poet's mother comes in the memory as he sleeps in his bed chamber in on a rainy night. When does he remember? When the rain drops. The twinkle sound of rain on the roof. Makes, yes, lashes to the roof, to the tiles, lashes the tiles of the roof of the house. Okay. What does the poet remember about his mother? Ma'am, that her mother spent many memories. Affectionate look of his mother. Right? He remembers the affectionate look of his mother as she was about to leave her children in their bed chamber for the night when she herself went to sleep in her own room. Okay. What does the poet imply by the darling dreamers? Darling dreamers represents the children of the family. Okay. Remember this thing. Okay. In this poem, the darling dreamers, here the darling dreamers, the poet implies the children in the family, the poet himself and his siblings, okay, who were about to go to sleep.
they would often have pleasant dreams in their sleep. Now, what refrain is the poet talking about? Ma'am, is mother's refrain. By refrain, the poet here means a song or a recurring melody. And in his stanza, it refers to the musical sound of the rain. Okay? Understood? Go through the textbook questions. If you have any doubt, let me know that, ma'am, this question is a bit confusing. Please give us the answer of this. In this poem, the poet has compared himself with a child. Okay, remember this thing. Anshu ma'am. Yes ma'am. Aapka lecture ho gaya? Haan bas ma'am, ek minute mein khatam hone wala hai. Okay, okay then ma'am. Kya hua? Nahi bas Sandeep sir ka lecture continue hone wala hai, so that. Okay, haan ho gaya ma'am. Okay. Any doubt students? No ma'am. No, go through the poem once again. If you have any doubt in any word or any stanza, you can tell me in the next section. Okay? Chalo, bye-bye. Bye. Bye, bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening. Shivali ma'am ne jo chapter 2 karaya us notebook mein likhe na chapter 3. Sir, actually Shivali ma'am ne chapter 2 karwana hai to abhi chapter 2 hi karenge. Chapter 3. सर उसी नोटबुक में लिखे ना चैप्टर हां उसी बुक में फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मतलब कि अलग-अलग हो जाएगा मतलब कि आधा चैप्टर 2 आधा चैप्टर सर शिवाली मैम ने सिक्स चैप्टर चला लिया है तो अभी 3 कौन से थे सिक्स चैप्टर आपने एक बार बताया था ना सीबीएसई में 6 चैप्टर चल रहा होगा यस सर 7:30 तक होगा ना हाँ 7:30 तक कैमरा ऑन रखना सब लोग ऑफ है ऑन 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 रखना बेटा हाँ चलो ऑन सर यस बेटा सर मेरा यहाँ पे वाईफाई बंद हो गया है तो मैं कैमरा ऑफ रखूँ तो चलेगा हाँ चलेगा
सर मेरा भी वैसा ही है, और शिवाली मैम के लेक्चर में भी बार बार फिर मैम मैं कैमरा ऑन रखती थी ना तो निकल जाती थी, तो अभी मैं कैमरा बंद हूँ, कुछ चलेगा? आज चला लूंगा, बाद में नहीं चलेगा। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 है बेटा। आपको कहां लिखना है आपका एक क्वेश्चन का? सबसे पहले बेटा एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो ग्राफ बेस्ड है, आज मुझे ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर ग्राफ बुक में करना है, ठीक है? तो आज आपको अगर कहां लिखना होगा तो जो आपका नोटबुक है, टीचिंग बुक है, उसके लास्ट 5 पेजेस यूज करने हैं, आपके नेट नोटबुक के लास्ट 5 पेजेस। सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है वो भी डिस्टर्ब नहीं करना, गुजरात बोर्ड का चैप्टर 2 चल रहा है वो भी डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन इसके लास्ट 5 पेजेस, नोटबुक के लास्ट 5 पेजेस पे आपको ये चैप्टर लिखना है। दूसरी बुक में लिख दे तो चलेगा? नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है बेटा, नो नीड एट ऑल, जरूरत ही नहीं है सर। अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है सर, तो चलेगा सर? अभी मैंने वही बोला, यू डोंट रिक्वायर, आज ग्राफ की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ग्राफ, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी सर। होमवर्क पेजेस पे लिखिए क्या बेटा? होमवर्क पेजेस पे अभी लिख दे तो चलेगा सर? चलेगा सर, ग्राफ पेपर चलेगा, ग्राफ बुक नहीं हो तो बिल्कुल चलेगा। सर हम अभी पीछे लिखेंगे, फिर हमको किसी में कॉपी करना होगा उसको। नहीं बेटा, आप खाली अभी मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो आपको नोट लिखाऊंगा या जो आपको पढ़ाऊंगा जो बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको आपकी नोटबुक के लास्ट 5 पेजेस में आप कॉपी कर सकते हैं। सर ग्राफ के मैं आपको ग्राफ भी जो बनवाऊंगा ना वो भी आपको रफ बनाने हैं अपनी नोटबुक में, लास्ट 5 पेजेस में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें रफ बनाना है, नहीं करना है वर्क, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर? अभी हम लास्ट 5 पेजेस छोड़ने के सर, सर अभी, सर अभी हम लास्ट 5 पेजेस में लिख रहे हैं, बाद में सर हमारा चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिन पेज में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको ग्राफ में सकते बेटा, आज ग्राफ बुक की जरूरत नहीं है, हिंदी में बोल चुका मैं पहले, ठीक है? ओके सर। चैप्टर नंबर 3 ऐसे देखा जाए तो आपके लिए ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, राइट? चैप्टर 3 चलेगा तो उसके बाद तुरंत मैं चैप्टर नंबर 4 भी स्टार्ट कर दूंगा। अब एक बेसिक आपको थोड़ा इसके बारे में मैं नॉलेज दे देता हूं, ये मैंने ओरिजिनल छोड़ने के क्या बेटा सर, लास्ट पेज में 5 पेज छोड़ने के, लास्ट 5 पेजेस बेटा, 10 साइड्स 5 पेजेस, चैप्टर 3 और 4 दोनों आ जाएगा उसमें सर। हाँ बेटा सर, अभी हम लास्ट 5 पेजेस में लिख रहे हैं, और सर बाद में हमारा सेकंड चैप्टर हो जाए, बाद में सर आगे लिख रहे ना है ना सर कि नहीं, उधर बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, अभी लिखाओ, फाइनल हो गया, लास्ट 5 पेज में लिखाओ, फाइनल हो गया। ओके सर। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, बहुत सवाल का ये भी प्राइमरी में हो सकता है सर। अभी ग्राफ है तो ग्राफ में ड्रॉ करे तो चलेगा? नहीं, जब ग्राफ पेपर का यूज करना होगा मैं आपको बताऊंगा। चलो ध्यान रखना बेटा, ऐसा भी नहीं है कि आप ग्राफ के बारे में जानते नहीं हो, कंप्लीट नहीं जानते हो, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है भी इसके अंदर। जब भी हमको ग्राफ पेपर मिलता है हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स डैश, और इसको बोला जाता है y डैश। जो दोनों लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई है उसको बोला जाता है O। O है यानी कि ओरिजिन, उसका फुल फॉर्म है ओरिजिन, क्लियर? अब 0
1, 2, 3, 4 ध्यान से, कोई बीच में सवाल नहीं करना, सिर्फ मैं तो बोलता हूं सुनना। 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ पार्ट, राइट। ये ग्राफ का फर्स्ट फोर्थ पार्ट, सेकंड 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लाइक दैट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है ग्राफ का इंट्रोडक्शन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मानसी बेटा, ये ग्राफ का यूज क्या है वो मैं आपको बता दूं। मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लोअर सेंटर में ले जाता हूं, यानी कि स्टैंडर्ड 6 में 7 में ले जाता हूं। वहां पे आपको नंबर लाइन आई थी कोर्स में, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन, राइट। अब मैंने हॉरिजॉन्टल भी बनाया और वर्टिकल भी बनाया। अब वंस अगेन, ये पूरा एक्स एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस। अब उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट प्लेन। जब तक इस बोर्ड पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाया था तब वो खाली प्लेन था। जैसे ही मैंने इस बोर्ड पे एक्स और वाई ड्रॉ किया, ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। आपके बुक पे, आपके फुल्स के बुक में जब तक आपने कुछ भी नहीं लिखा है वो एक पेपर है। जैसे ही आप एक्स और वाई बना दोगे वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट पेपर, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। देसी वर्ड में, भाषा में एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, ABSICCA, एब्सिसा, और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट। एक्स को बोला जाता है एब्सिसा और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऐसे वो लैटिन वर्ड में यूज होता है। अब ये जो भी मैंने आपको सर उसका स्पेलिंग बोर्ड पे लिखो ना बेटा, मैं आपको सब लिखवा रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको सर सर आप बोर्ड के पास जा रहे हो तो आपकी आवाज कम हो जाती है क्या बेटा? सर आप बोर्ड के पास जा रहे हो ना तो आवाज कम हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा है बेटा मेरी आवाज कम हो रही है? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। यस सर। सर नो सर। यस सर। अब मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ, ध्यान से बेटा। सर हमें ये ड्रॉ करना है नोटबुक में? नहीं 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 नहीं, सिर्फ आप ध्यान रखो। 2, 3 -2, 3 -2, -3 -2, -3 मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड में पकड़ रहा हूँ, ध्यान रखना वर्ड क्या बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं। व्हाट ऑर्डर पेयर? फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई। ये ऑर्डर में होता है, पहला हमेशा एक्स होता है, दूसरा हमेशा वाई होता है, कभी पहला वाई और दूसरा एक्स नहीं होता। सो एक्स इज 2, y is 3, एक्स इज -2, y is 3, एब्सिसा इज 2, ऑर्डिनेट इज -3, एब्सिसा इज -2, ऑर्डिनेट इज -3। मैंने पहले दो इंग्लिश में बोला वर्ड, बाद के दो मैंने लैटिन वर्ड में बोला। एक्स बोलू या एब्सिसा बोलू, वाई बोलू या ऑर्डिनेट बोलू, वन ऑफ द सेम थिंग। अब मुझे ये 2, 3 को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, यानी कि
कहां पे टू थ्री आएगा, पॉइंट कहां पे प्लेस होगा वो मुझे बताना है। उसके लिए क्या करना है, देखो बेटा मेरे पास तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें ग्राफ पेपर पे होते हैं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में सबके पास मिनिमम 5 ग्राफ पेपर होने चाहिए या ग्राफ बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 3 तो x इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 3 ये रहा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो ये 2 3 ये तो x इक्वल टू 2 का प्लेस है, ये y इक्वल टू 3 का प्लेस है, लेकिन 2 3 कहां पे है, तो 2 से ऊपर और 3 से साइड में, ये हो गया 2। आपको 2 से चलना शुरू करना है और जहां 3 की लाइन आती है वहां पे अटक जाना है, वो हो गया 2 3, ये हो गया 2 3। -2 3 एक्स इज इक्वल टू -2 वाई इक्वल टू 3, -2 से शुरू करूंगा चलना और जहां पे 3 आएगा वहां पे अटक जाऊंगा, ये हो गया -2। +2 -3 +2 से शुरू करूंगा, ये है -3, +2 से शुरू करूंगा और सीधे सीधे चलते जाऊंगा, जहां -3 का लाइन आएगा वहां पे अटक जाऊंगा, ये हो गया 2 -3। -2 -3 -2 से चलना शुरू करूंगा और -3 पे अटक जाऊंगा। कोई ऐसा भी बोल सकता है सर -3 से चलना शुरू करो ना, ठीक है -3 से चलना शुरू किया, जहां -2 आएगा वहां पे अटक जाऊंगा, ये हो गया -2। From this way we can plot the points on the graph paper. सर इसमें हमें पॉइंट, सर इसमें इसके दो तीन सम्स थे क्या बेटा? सर हमें लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट के, पॉइंट के ग्राफ पेपर पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना बेटा, ड्रॉ करो तो कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो, लेकिन ग्राफ में ऑलरेडी लाइन होती है तो लाइन क्यों बनाने का। हाँ अभी आप जब बुक में रफ में ड्रॉ करने वाले हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 2 and 3 लाइन ड्रॉ करके आप बता सकते हो, ऐसे मतलब आपको 2 की लाइन बनाई, 3 की लाइन बनाई, लाइक दिस। ये था मेरा पहला पार्ट ये चैप्टर का, बट ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन मैं डीप में इसलिए जा रहा हूं कि इसका बेस चैप्टर नंबर 4 में भी है। अब कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूं बेटा, यहां पे टोटल 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। पहला मैंने जो भी लिखा उसमें नंबर है, अब दूसरा समझ 4 0 0 4 -4 0 0 -4 क्लियर। अब जो आपके सामने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसमें से कोई एक नंबर 0 है, कोई एक नंबर 0 है, वहां पर ध्यान रखना जब भी आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना हो और उसमें से एक नंबर 0 हो तो वो पॉइंट ऑन द अक्सिस होता है, नॉट इन द क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में है, 4 0 ऑन द लाइन आने वाला है। अब इसका ट्रिक क्या, चीटिंग क्या, ये 4 किसकी वैल्यू है, एक्स की, एक्स इक्वल टू 4 वहां पे 4 0, जहां पे एक्स इक्वल टू 4 वहां पे 4 0, जहां पे y इज इक्वल टू 4 वहां पे 0 4, जहां पे y इक्वल टू 4 वहां पे 0 4 0 4, जहां पे x इक्वल टू -4 वहां पे -4 0 ऑन द लाइन, जहां पे x y इक्वल टू -4 वहां पे 0 -4। एक ऐसे पॉइंट्स जहां पे 0 नहीं होता, एक ऐसे पॉइंट्स जहां पे 0 होता है, अगर 0 होता है तो ऑन द लाइन, 0 नहीं होता है तो इन द क्वाड्रेंट पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? अब सर एक बार बोलो ना, आपका माइक बंद हो गया था सर। राइट डाउन नोट्स फर्स्ट, बेटा अब पेज नंबर 60 चेक करो सबसे पहले, इसलिए मुझे नोट लिखाने में आसानी हो जाए।
पेज नंबर 60 एक्सरसाइज थ्री बेटा 3.1 नहीं करना है 3.1 पैराग्राफ यानी ऐसे 3.2 सर आपने जो लिखा है वो नोट करना है क्या बेटा सर आपने अभी बोर्ड पे लिखा है वो नोट नहीं, करना नहीं, है नहीं लिखना है बेटा नहीं लिखना है मैं सीधा भी लिखा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन वन फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैं अभी पेजेस में लिख रहा हूँ तो वो पेजेस में वो होमवर्क फाइल है उसमें राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया वही मैं अब आपको पूछ रहा हूँ पहला व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन डिटरमाइन द पोजीशन क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है 3.2 का क्वेश्चन वन का फर्स्ट वही नोट है बेटा ये अपनी नोट है क्वेश्चन वन पूरा राइट डाउन हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज Horizontal line is known as x-axis. And vertical line known as y-axis, vertical line known as y-axis. अब इसी के नीचे लिखो नोट एक्स कोऑर्डिनेट सर कंटिन्यू में लिखना है कोऑर्डिनेट का स्पेलिंग बोल रहा हूं सी डबल ओ आर डी आई सी डबल ओ आर डी आई एन ए पी ई एस एक्स कोऑर्डिनेट is known as abscissa. अब आपको abscissa का स्पेलिंग देखने के लिए पेज नंबर 61 पे जाओ उसका फिफ्थ नंबर देखो द abscissa ऑफ द पॉइंट डी वो जो abscissa लिखा है वो लिखो पेज नंबर 61 का फिफ्थ abscissa का स्पेलिंग है ए बी एस सी आई डबल एस ए एंड कंटिन्यू है नोट कंटिन्यू है एंड सर टू मिनट सर टू मिनट बाकी है रिपीट करता हूं एक्स कोऑर्डिनेट नोन एज एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट नोन एज कोऑर्डिनेट के लिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाओ उसी पेज पे डिपेंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच ये ऑर्डिनेट लिखा है वो है वाई एक्स सर किसी का माइक ऑन है या पता नहीं जरा आप क्या बोल रहे हो हाँ सर किसी का माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस हो रहा है सर एक्स कोऑर्डिनेट से अलग लाइन में लिखना था डन सर हो गया सर आपने क्या कराया मेरा यहाँ पे नेट चला गया था Question 2. Sir, y coordinate known as? Coordinate. O R D I N A T E. O R D I N A T E. Coordinate.
सर यस सर कैन आई सी द फर्स्ट आंसर बोलो बेटा कैन आई सी द फर्स्ट आंसर फर्स्ट या सेकंड बेटा सर फर्स्ट आंसर वापिस रिपीट करूं मैं नो सर मुझे बोलना बेटा वो तो मैंने लिखा दिया सर मेरा भी ऐसा ही हुआ नेटवर्क इशू की वजह से मैं बुरा निकल गई हाँ पहला था ना व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आंसर लिखा है मैंने एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का आंसर लिखा है वाई एक्सिस फिर मैंने नोट लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट अब क्वेश्चन टू यानी आपको आंसर नंबर टू व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दिस टू लाइन क्या बोलते हैं बेटा इसको क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट Q U A R A N T D R A N T quadrant sir repeat karo na kya hai Q U A D R A N T question 2 ka answer hai answer to Q U A D R A N T quadrant third question write the name of point Where these two lines intersect? Origin. Oh. Origin. 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 Answer three है origin. Oh. अब बेटा चाहता हूँ question two में ध्यान रखना right hand side पे आपको एक graph draw करके दिया है question two में figure number 3.14 ठीक है और आपको ये 3.14 की फिगर को ध्यान रख के जो भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसका आंसर बोलना है सबसे पहला मैं यहां से नाम बोलूं वही आंसर बोलेगा मैं यहां से नाम बोलूंगा सर आपने क्या बोला फिर से रिपीट करो ना क्या बेटा सर आपने जो अभी बोला वो नेटवर्क की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया फिर से रिपीट करो ना बेटा मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आपको आंसर बोलना है मैंने यही बोला था ओके सर क्वेश्चन टू अब बेटा सबसे पहले हम बी को ढूंढेंगे बी कहाँ पे है देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव सेक्शन है ना अब बी पॉइंट है उसके सामने एक्स पे कौन है -5 और y पे कौन है 2 तो इसका आंसर क्या हुआ ब्रैकेट में -5 हमेशा पहले x बोलने का बाद में y तो इसका आंसर होगा मैं लिखता हूं ध्यान रखना पहले कैसे लिख रहा हूं इसका आंसर होगा b -5 2 सर आप पास जाते हो ना तो आवाज आपकी स्लो हो जाती है बोलू देवांश नहीं काव्या सी का आंसर मैं बोलू काव्या सी का आंसर 5 -5 वेरी गुड 5 -5 काव्या ही बोला नो सर मैंने नहीं बोला मैं बोलने वाली थी किसी और ने बोल दिया ओके ओके बेटा थर्ड द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5 एक्स पे -3 सर आपकी आवाज चिपक रही है एक्स पे -3 नो सर नहीं चिपक रही है नहीं चिपक रही एक्स पे -3 और वाई पे -5 -3 -5 का पॉइंट कौन सा है बोलो मुझे E for elephant राइट आंसर है E -3 -5 4 जी द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द +2 -4 +2 -4 जी फॉर जी
जी सर जी 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 फॉर गॉड है ना जी जी फिफ्थ हाँ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी यानी डी का एक्स कौन है टू एंड सिक्स टू एंड सिक्स मतलब बेटा जो आपको डी पॉइंट दिया गया है उसका एक्स कौन है वैसे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन होंगे सिक्स एंड टू सिक्स एंड टू लेकिन एक्स कौन है सिक्स यानी आपको खाली एब्सिसा लिखना है यानी आंसर इज सिक्स Sixth one, the ordinate of the point minus three. Minus three. Minus three. Ordinate मतलब y बोलने का x नहीं. तो h का opposite में y पे कौन है? Minus three. यानी minus three. The coordinate of the point L. Zero upon five. Zero upon five. Yeah. L कहाँ पे है जीरो एंड फाइव बेटा जीरो पे है वेद पंचाल L जहाँ पे है वो नंबर है फाइव लेकिन ये फाइव कौन सी लाइन पे है X पे की वाई पे वाई पे वाई पे यानी आंसर हुआ जीरो जीरो L का आंसर हुआ जीरो फाइव द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम माइनस थ्री लिखोगे तो माइनस थ्री वाई हो जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री एंड जीरो माइनस थ्री एंड माइनस थ्री एंड जीरो सर माइनस थ्री एंड जीरो बेटा आपको ये कॉपी कर लो सब वन टू एट सर बेटा ड्राइंग नहीं करना है फिगर नहीं बनाना है खाली ये आंसर लिखना है सर मुझे लास्ट वाला समझो ना कैसे थ्री आएगा माइनस थ्री एम एम जो है बेटा उसका एक्स की वैल्यू क्या है एम के एक्स की वैल्यू क्या है माइनस थ्री हाँ इसलिए माइनस थ्री जीरो ओके सर ऑनली आंसर से लिखे ना क्या बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना नहीं बेटा नोटबुक में लिखना पड़ेगा फिर आपको ग्राफ बुक में लिखने की जरूरत नहीं है वापस से ओके सर क्वेश्चन लिखने नहीं नो 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 दैट इज बेटा है तो करी टेक्स्ट बुक में क्यों लिखने का डन सर डन डन सर बी साइड डन सर डन हां बेटा थांबा थांबा Done, sir. Ahana, are you present? Yes. Yes, Hi. Sir. Ahana. Here, sir. Present, hai na? Yes, sir. ओके सर बोलेगी वापस सर 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 ही बोलोगी पपीट यस सर डन ये तो यस सर कंप्लीट ओके अब सारे अपने आप ही लिख मारे करने ध्यान रखो मैं का देखो एक बेटा यहां पे सब पॉजिटिव वैल्यू होती है राइट यहां पे सब पॉजिटिव वैल्यू होती है यहां पे नेगेटिव वैल्यू होती है और यहां माइनस नेगेटिव वैल्यू होती है अब घर की बात करते हैं घर की कि ये घर में कौन रह सकता है ये घर में x प्लस और y प्लस वो रह सकता है x भी प्लस y भी प्लस
यहाँ पे x माइनस y प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है ना ओके यस सर यस सर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन पेज नंबर 65 सर 3.1 आपने करा दिया बेटा नहीं करना था 3.1 किसने पूछा 3.1 के बारे में सर मेरा कनेक्ट बीच में निकल गई थी ना अभी मैं फोर्थ फ्लोर पे खड़ा हूँ कूद जाऊंगा अभी मैं पेजेस में कर रहा हूँ तो वे पेजेस में हूँ बस फाइल में चिपका मैं फोर्थ फ्लोर पे खड़ा हूँ उल्टे फोर्थ फ्लोर में मतलब ग्राउंड फ्लोर पे अभी कहाँ से कूदूंगा 3.3 क्वेश्चन वन में बेटा क्या पूछा है देखो पॉइंट प्लॉटिंग नहीं करना है आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट कौन से घर में है ठीक है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द ईच ऑफ द पॉइंट वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन अब आपको सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं है वो तो मैंने आपको सिखा दिया अभी कैसे आप लोग कहां पे रखेंगे वैल्यू पहला वाला भी कहां पे आएगा वो मुझे बताना तो अब आपको सिर्फ साइन देखनी है नंबर नहीं साइन पहला माइनस टू फोर को हम क्या बोलेंगे माइनस प्लस माइनस टू यानी माइनस फोर यानी प्लस माइनस प्लस कहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आंसर होगा सेकंड सर अब पेज नंबर 62 पर है वो कराया गया फोर्थ फोर्थ क्वार्टर माइनस टू फोर सेकंड थ्री माइनस वन प्लस माइनस फोर्थ माइनस अरे इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ गया देखते हैं कौन आंसर देता है वन मिनट ये प्रीशा कब की बैठी है शांति से कुछ नहीं बोल रही है चलो प्रीशा का नंबर माइनस वन जीरो कहां पे आएगा प्रीशा मेवाड़ा सर माइनस एक्स नहीं बोलने का क्या बोलने का सेकेंड क्वार्टर कहाँ पे आएगा ऑन द एक्स एक्सिस ठीक है इतना लिखने का ऑन एक्स एक्सिस सर वन टू प्लस 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 फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर क्लियर अगर कोई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो उसका घर लाइन खुद होता है क्लियर यस यस सर चलिए डायग्राम में 3.3 क्वेश्चन वन सर ये लिखना है सर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना ना नहीं माते नहीं सर लिखना है नहीं माते नहीं सर चैप्टर तो खत्म हो गया तो फिर यही तो बात है सर अभी तो थोड़ा सा शुरू होने ही खत्म हो गया चैप्टर बहुत इजी है सर एक लेक्चर में खत्म सर क्वेश्चन तो है तो ग्राफ का यूज करना है ग्राफ में क्या करने का भेजूंगा वो वर्कशीट आपको ग्राफ पेपर पे करनी रहेगी वो रफ पेपर में नहीं चलेगा ठीक है पॉइंट प्लॉटिंग ही पूछा होगा मैंने सर क्वेश्चन तो ग्राफ बुक में करना है सर लाइन जॉइन करने का तो नहीं पूछा होगा ना अभी तो बेटा लाइन ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ में बाद में करना वो नहीं सर वर्कशीट पर जगह वो प्लॉटिंग ही करनी होगी ना अब
अब बेटा मैं क्वेश्चन टू नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई नीड ग्राफ पेपर फॉर दैट। आई थिंक सबके पास ग्राफ पेपर नहीं होगा। सर ग्राफ बुक है, ग्राफ पेपर है। अरे पर सबके पास ओके सर नहीं है तो है। सर नहीं, नहीं है तो है सर के पास ही नहीं है। ग्राफ बुक नहीं है सर, ग्राफ बुक नहीं। ध्रुव गड़िया, ध्रुव गड़िया झगड़ा हुआ है किसी के साथ? स्माइल वेल नहीं कर रहा है कुछ भी यार, इतना मजाक कर रहा हूँ तो भी। अरे सोच रहा था, सोच सोच के हंसता है क्या? अरे नहीं, आपने बोला असल में सोचा था कि ये जो आप ग्राफ लेकर आओ मैं वो होमवर्क के फाइल में स्टेप करूँ या फिर अपने ये जो नोटबुक के पप्पा जप्पा जप्पा कुछ पता नहीं चला। ग्राफ बुक में बस है सर, मैंने ये जो आपने लिखा है वो पेजेस में लिखा है तो होमवर्क फाइल में स्टेपल कर दूं ना। देखो ये जूलियन एकदम मुंह छुपा के हंस रही है जैसे कोई देख ना जाए, बराबर है इतनी। विश्वा भी, विश्वा भी एकदम शांत, विश्वा रावल मजा करने का, कोरोना ने क्या सिखाया? मजा करने का, बहुत कल का नहीं सोचने का, आज का सोचने का, आज जी भर के जी लेने का। इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बाजा के पकौड़ी खाने आ जाने का, पिज्जा पट के खा जाने का। आज ही खाई मैंने। नहीं संदीप सर ने बोला है जी भर के जी लेने का, चलो मारो ऑर्डर डोमिनोज में। सर यहाँ कल क्या हो, किसने जाना है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप कौन से क्वेश्चन पे हो? आर्यन तू स्पेस में है क्या? नहीं सर। तो तेरा बैकग्राउंड ऐसा क्यों हो गया खतरनाक? सर वो तो पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड रखा इसलिए। अच्छा अच्छा ऐसा तुमने रखा है सेट ऐसा, मेरे को आता नहीं है ऐसा। सर हाँ बेटा। सर आप एक्सरसाइज लिखा नहीं सर नोटबुक में? हाँ बेटा ये तो मैंने अभी तक जितना बोला उतना करना है, लेकिन अब बेटा देखो आपको लिखना नहीं, हाँ मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में यही क्वेश्चन में रिपीट करूंगा ग्राफ पेपर पे, ठीक है? अभी मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 3.3 का क्वेश्चन 2, ध्यान से। जीरो वन टू थ्री सर, अभी हम रफ में ड्रॉ कर चलेगा, बाद में ग्राफ में कर ले। अरे मैंने मना ही किया, ड्रॉइंग करने के लिए मना किया नहीं यार, देवी अंबिका देवी। सबको सवाल हो रहा होगा कि सर शाम पड़ते ही आपकी आदत कमजोर हो जाती है, ऐसा सवाल हो रहा होगा आपको कि सर एक एक नंबर छोड़ के क्यों लिखा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों नहीं लिखा, एक एक नंबर छोड़ के क्यों लिखा? तो ध्यान रखना विशाल, ध्यान रखना कि जब भी मैं आपको कोई भी नंबर्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए बोलूं कि भाई आप ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, तो आप सब देखो क्वेश्चन टू में देखो मैंने क्यों ऐसा करना पड़ा, उसका मैं रीजन देता हूं आपको। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखो -1.25 है। यस सर, यस सर, राइट। ये -1.25 अगर कोई भी नंबर में डिजिट्स आते हैं, डेसिमल्स आते हैं, ऐसे केसेस में आपको, अब मैं इसकी भाषा बोल रहा हूं, स्केल लेना है 2 cm = 1 unit। अब ध्यान से बेटा, अगर मैंने 1 यहां पे लिखा होता तो 1 cm = 1 unit। स्केल
सर लेकिन एक बॉक्स तो 1 सेंटीमीटर ही होता है ना ग्राफ में, तो दो बॉक्स रफली 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। लेकिन अगर ये डेसिमल नहीं होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखता सर। सर ग्राफ बुक में तो ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए होते 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के, तो हम 2 बॉक्स छोड़ के 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के फिर माइनस 1 लिखने का, 2 बॉक्स छोड़ के जरूरी नहीं है। अब समझना मैं तो बोल रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाने वाला हूँ उसकी नोट में आज बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको ऐसा पॉइंट दूं -100 माइनस और +300 तो 1 2 3 4 5 लिखना चालू करोगे तो बाजू वाले के घर में घुस जाओगे क्योंकि 100 तो वहां मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे 10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 राइट right? आप 20 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 20 40 60 80 100। लेकिन फिर स्केल क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। जो नंबर यहाँ पे लिखते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोड़ के लिखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। गॉट इट सर? यस सर, गॉट इट सर। वो 300। अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। पहला ब्लॉक x है -2 y है 8। x है -2 y को मैं 8 लेने जाऊं। 5 6 7 8 चलो शायद यहां कर रहा हूं, यहां पे होगा शायद नॉट श्योर शायद 5 6 7 -2 8 यहां पे आएगा। -2 से चलना किया, जहां पे 8 आया वहां पे अटक गया, वहां पे मैंने डॉट कर दिया, वो हो गया -2 8। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना तब मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा इसके अंदर। आज मैं आपको क्या होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 मालूम ही नहीं पड़ा सर। एक्सरसाइज नहीं लिखनी? नहीं बेटा कुछ नहीं, इसको तो कल कितने बजे लेक्चर होगा सर? हम उसमें ओके सुबह हो गए मैंने अभी जो आपने लिखा है वो सीबीएसई में क्लास लो ना सर। बाय सर। Bye sir. 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 Bye s